पूर्णिया के बालूघाट में बीती रात जमीनी विवाद को लेकर जमकर गोलियां बरसी। इस गोलीकांड में किसी को कोई क्षति तो नहीं पहुंची है, किंतु माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। इस मामले को लेकर स्थानीय संजय यादव ने के नगर थाना में लिखित शिकायत कर दी है और घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने दो खोखा भी बरामद की है। साथ ही टीना के घर में गोली लगने का निशान साफ देखा गया। संजय यादव ने इस मामले में स्थानीय रमेश यादव और झुन्नी निवासी विवेका यादव को आरोपी बनाते हुए लिखित शिकायत की है। वहीं संजय यादव के समर्थन में स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि उन लोगों ने पंचायती के जरिए भी इस मामले को निपटाने की पूरी कोशिश की थी, किंतु मामला नहीं निपट पाया और यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच इस घटना को अंजाम दिया गया है। संजय यादव ने कहा कि आरोपियों ने गाड़ी जमीन के पास रोकते ही फायरिंग शुरू कर दी और वे अपने सहयोगी के साथ किसी तरह से जान बचाकर भागने में सफल रहे, अन्यथा उनकी जान जा सकती थी। जी सर, यहाँ गोली कांड चल गया सर। आप किस स्थान किस स्थान में आप थे? हम सर जो हम मतलब सुतल थे, वो भी एक आदमी और वो भी सुतल था, लेकिन हम जगे थे, एक आदमी सुतल था। गाड़ी आया चार चक्का से, वहाँ पर जो है रोका, वहाँ से जो है चार पांच आदमी उतरा। उतरने के बाद पहले एक गोली वहीं फायरिंग किया, तो फायरिंग जैसे हुआ कि हम लेकर के बोना के लेकर भागे मकई के, इसको भर पाजा लिए, वहाँ हड़बड़ा के गिर गए मकई खेत। उसी तरह भागते भागते मकई खेत में बैठ गए। तो इस बीच में वो लोग फिर यहाँ आया तो क्या किया, कुछ पता चला, देख पाए वहाँ से? जी नहीं, इधर क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता। यानी कि आप अगर नहीं भागते? जी, जान मार देता हम। आप अगर यहाँ से नहीं भागते, जगह हुए नहीं रहते? जी जी जी, तब जान मार देते, तो हत्या हो जाती है। जी, हत्या। तो ये कौन लोग है जो ऐसा कर रहे हैं? वो सर इससे पहले ध्वज दिया है विवेका और रमेश, जगह जमीन का विवाद चल रहा है। विवेका और रमेश जी कहाँ का है ये सब आदमी? विवेका है रमेश का, अति क्या कहते हैं झुन्नी का, रमेश है पारी टोला का, रिकाबगंज का। तो ये आखिर आप लोगों से उन लोगों का विवाद? 10 साल से यही जमीन का हो सर, यही जमीन का तंग कर दिया है 10 साल से। मामला कोर्ट में भी है सर। उस दिन क्या हुआ था? 17 तारीख को, अच्छा 17 तारीख को नापी करने के लिए आया। हाँ। 150 जो है आदमी लेकर के, जलानी मरद सब लेकर के। हाँ, वहाँ जो है मतलब मेरा सास को जलानी सब लिखो झिको कर रहा था। उधर जो है मतलब एक लहास जल रहा था, इस समाज का सब आदमी वहीं था, उसको पता चला तो सारा समाज उलट गया। तब ये लोग जो है भागा। उसी जगह विवेका बोलता है कि मादर चो तुमको हम दिखा देंगे, हाया मिल गया तुरंत। इससे पहले डिंपल को मारा है? इससे पहले जो है डिंपल मेहता को भी हत्या किया, वही हत्यारा है वो। जी, उसके बाद रमेश यादव भी जो है रिंकू पर भी गोली चलाया, उनके बाद निसी प्रमुख पर गोली चलाया है। ये लोग साफ छवि का आदमी नहीं है? जी नहीं, जी नहीं। तो पुलिस में शिकायत कर दिए हैं क्या? जी, हम सुतल थे यहाँ। हाँ। तो वहाँ आया, गई लगा कर फायरिंग करने लगा। इसके बाद क्या हुआ? तुमको लेके कौन भागा था? ये भागा। तो ये बात बताएगा ना जरा? हाँ, तो उसके बाद सुतल थे तो यही उठा तो भागे थे। तो रात में गोली चलाया तो वही लोग था जिनका नाम ये ले रहा है कि कोई और भी तो हो सकता है? नहीं नहीं, वही। अच्छा, आप उनको देख नहीं पाए तो कैसे कह सकते हैं वही? अरे वो जो धौस देता है बार बार। अच्छा, इसी पे रेटिंग दे के दूसरा कोई नहीं आ सकता? नहीं 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 नहीं, दूसरा नहीं आएगा। इस संदर्भ में जब रमेश यादव और विवेका यादव से पूछा गया तो दोनों ने मामले की जानकारी होने से भी इनकार करते हुए कहा कि उन्हें तो मीडिया से ही इस घटना की जानकारी मिली है और संजय यादव ने उन्हें फंसाने की साजिश रची है जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। विवेका यादव ने कहा कि कोर्ट में उनकी जीत हो चुकी है, इसी से बौखलाए विपक्ष ने उसे फंसाने की यह साजिश रची है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और वे प्रशासन को जाँच करने में हर संभव सहयोग करेंगे। देखिए, इस मामले में सबसे पहले जानकारी नहीं था, आप लोग आए, आप लोग के माध्यम से जानकारी हमें मिली और न्यायालय में जो हमारे केवाला मोटेशन सुद्दीपद एलपीसी डीसी लालगढ़ डिग्री सारा चीज प्राप्त होने के बाद सरकारी अमीन की बहाली किया गया था, नापी करना था,
नापी को सिर्फ बाधित करने के लिए वो साजिश हमारे ऊपर कर रहे हैं, और इनका निष्पक्ष जांच हो और जांच में हम लोग को पूरी सहयोग करेंगे। न्यायालय और पुलिस प्रशासन पूरी आस्था विश्वास भरोसा है और जांच करें और दूसरे व्यक्ति को नहीं बख्शा जाए इसमें। अभी आप लोग के जरिए हम लोग को जानकारी मिल रही है किस तरह की घटना रात में हुई है, तो फिर वो लोग आप पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये तो गलत है, साजिश करता है। कल हमारी उस जमीन पे नापी करने का डेट था सरकारी अमीन द्वारा, जो कि ब्लॉक से चिट्ठी भी आया उन लोगों को, थाना को भी रिसीव हुआ है, सरकारी अमीन को भी रिसीव हुआ है। कल नापी नहीं हो इसके लिए वो लोग साजिश कर रहा है। घर है वहाँ, रोड पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मेरा घर पे भी चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप सीसीटीवी के माध्यम से भी जांच कर सकते हैं या मोबाइल लोकेशन के भी माध्यम से जांच कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन से आप इस ये जो आरोप, पुलिस प्रशासन पे हमें विश्वास है, इसकी सही जांच हो और जो दोषी है वो नहीं बचे। अगर हम दोषी हैं तो हमारे साथ भी हो। भारती लोटस इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप LKG UKG एंड स्टैंडर्ड 1। हरी अप सीट्स आर लिमिटेड। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। आर्ट्स म्यूजिक एंड डांस क्लासेस। Kids arrival alerts, lunch facility, our address, Ramnagar Ofrel Road, bypass, Purnia. द्रौपदी नेत्रालय आँखों का पूर्णिया में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल। द्रौपदी नेत्रालय मोतियाबिंद एवं काला मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, आँखों में झिल्ली का लेजर द्वारा बेहतरीन तरीके से सफाई, आँखों के पर्दे का जांच, महज 2.2 mm का चीरा लगाकर अत्याधुनिक अमेरिकन मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन, देसी एवं विदेशी लेंस के साथ। द्रौपदी नेत्रालय, स्थान बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। सीमांत